खा सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे, तभी तो ध्रुवीकरण के जाल में फंसेंगे ना। और वर्तमान जो पूंजीवाद का दौर है वो बाजार अर्थव्यवस्था का दौर है, तो ये राजनीतिक मुद्दा खत्म हो जाता है। मैं तो अभी भी कहूँगा कि कोर्ट को यही करना चाहिए। राजा राम ने भी सीता का परित्याग इसलिए थोड़े किया था कि वो मानते थे कि वो अपवित्र हैं। जो भी क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनके ऊपर हमले और बढ़ेंगे, और ये लगातार जो जगह जगहों पे दंगे हो रहे हैं उससे ध्रुवीकरण को और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ध्रुवीकरण की भी ना एक सीमा है। उस ध्रुवीकरण की सीमा इसलिए है क्योंकि देखिए, जब लोग खा सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे, तभी तो ध्रुवीकरण के जाल में फंसेंगे ना। तो अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए गए, और जिस तरह से एजुकेशन का क्राइसिस आ रहा है, खाने पीने का क्राइसिस आ रहा है, वो ऐसे ही बढ़ता रहा, मुझे लगता है कि वो ध्रुवीकरण अपनी सीमा पे, पोलराइजेशन अपनी सीमा पे पहुंच जाएगा, वो बेअसर बन जाएगा। क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी की एक अपर लिमिट होती है ना, अब वो अपर लिमिट पे अगर पहुंच गया फिर ये क्या करेंगे, ये सोचने की बात है। और अभी तो 2024 के इलेक्शन में भी मतलब वक्त है, तो जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ गहरा रहा है, एक ऐसे देश में आप जहाँ मतलब 20 रुपए की आमदनी पे 80% लोग जीते हों पर डे, वहाँ पे आप सोचें कि चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, अच्छी सड़कें बना लें, तो उससे जो लाभ हो रहा है वो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा साइज़ है अपर मिडिल क्लास का ना, वो गाड़ी चलाता है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन वोट देने वो कम जाता है, वोट देने वो ज़्यादा जाता है जिसको इन चीज़ों से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी गली मोहल्लों में रहता है, अपने गांव देहात में रहता है, जो शहर की तंग बस्तियों में रहता है, तो वो अगर नाराज़ हो गया तो कैसे काम चलेगा। ये मुझे लगता है कि ये, और एक आखिरी बात और कहना चाहूँगा, लोग पकौड़े तलने के लिए अच्छे दिन की तमन्ना नहीं करते, अच्छे दिन की तमन्ना लोग उस स्थिति से ऊपर जाने के लिए करते हैं जिसमें वो मतलब विरासत में जा सकते थे या अपने दम पे जा सकते थे। लोग अच्छे दिन की सरकार, अच्छे दिन को बनाने की सरकार इसलिए लाना चाहते हैं ताकि वो उससे कुछ बेहतर कर सकें जो पकौड़े तलने के अलावा हो। पर ये सरकार अगर उन्हें उसी पर छोड़ देगी तो फिर ये लोग समझ जाएंगे, और ये भी उनको याद आएगा कि 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेते जाते समय गुजरात से दिल्ली आते हुए दोनों जगहों पे, अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी, वर्तमान प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बस हमें 10 साल दे दो। तो वो जो 10 साल का समय है वो अब 2024 में पूरा हो जाएगा, तो अब लोग मूल्यांकन करेंगे। तब तक तो ये कह रहे थे चलो 5 साल हुए ना, जब 50 साल दूसरों को दे दिए, 70 साल क्या हो गया, आपने 10 साल मांगे थे, और अगर आप 10 साल में अब अच्छे दिन नहीं दे पाए तो फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं, क्या कहेंगे 5 साल और दे दीजिए, लेकिन हम फेल हो गए। आपने कहा कि आर्थिक क्राइसिस है देश में, लेकिन पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा? पांचवी अर्थव्यवस्था दो वजहों से बना है। एक इसलिए क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या अच्छी खासी है, तो ये एक बड़ा बाजार है। और दूसरा ये कि मतलब इसको पूरा कर दूं, इसमें ये सरकार होती या नहीं होती वो इसलिए होना अनिवार्य है, एक बड़ी आबादी है तो वो बड़ा बाजार है, और वर्तमान जो पूंजीवाद का दौर है वो बाजार अर्थव्यवस्था का दौर है, तो जो बाजार बढ़ा वो अर्थव्यवस्था बढ़ी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस देश की सरकार ने कुछ चुने हुए घरानों को इतनी खुली छूट दे दी कि वो तमाम किस्म के सच्चे झूठे दावे करके बड़ी बड़ी कंपनियां बन गए, और उसका जो ग्लोबल इंडेक्सिंग है उसके ऊपर सीधा सीधा फर्क पड़ गया। उनमें से कुछ की पोल खुली है, कुछ की और खुलेगी, लेकिन उस बड़ी अर्थव्यवस्था का नुकसान देश को ये हुआ कि जिस देश में पहले 10% लोगों के पास मतलब 60% से ज़्यादा वेल्थ हुआ करती थी, अब उसमें पिछले कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि जो न्यूली जनरेटेड वेल्थ है वो उसका 90% केवल 1% के पास चला जाता है, तो उस बड़ी अर्थव्यवस्था का देश को कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी याद रखिए। ये तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये उस 1% की अर्थव्यवस्था है जो बड़ी बन गई है।
1% का जिक्र किया आपने, अडानी अंबानी को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं देश में पिछले कई सालों से, क्या कहना सर अडानी अंबानी? दुनिया के कई देशों में, जर्मनी और यूएस उसके बड़े उदाहरण हैं, ऐसा होता आया है कि जब कोई नई राजनीतिक शक्ति उभरती है तो उसके पीछे इसी तरह के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का हाथ होता है। लेकिन उसके पीछे के दो फैक्ट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक ये कि ऐसे जो तेज़ी से उभरने वाले कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, और इसलिए जब उनका डिक्लाइन होता है तो जिन सरकारों को उन्होंने सपोर्ट किया होता है उन सरकारों के सामने भी बड़ा भारी क्राइसिस आता है। एक ये बात है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप ग्लोबल कैपिटल की बात करें तो ग्लोबल कैपिटल लगातार देशों में नई नई लीडरशिप खड़ी करती है। 5-10 साल एक को चलाया और फिर 5-10 साल बाद दूसरों को चलाया। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का उभार भी दरअसल उसी प्रक्रिया में होती हुई एक कड़ी है। तो अब उनको कहाँ तक लेके जाएंगे वो देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनका क्या करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो ये अर्थव्यवस्था के सवाल इतने जटिल हैं जिनको मतलब अगर आप इतिहास की नज़र से देखें तो उसमें ये सब कठपुतलियाँ बन के रह जाते हैं। जिनको हम हीरो मानते हैं दरअसल वो कठपुतलियाँ होते हैं, हीरो तो ज़मीन पे होते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री का जिक्र किया जा रहा है आजकल और पूछा जा रहा है डिग्री दिखाओ मोदी जी, ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो ये है कि अगर उनकी डिग्री के बारे में कोई पूछता है तो वो खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड निकाल के सार्वजनिक करवा दें ताकि ये हमेशा के लिए बहस ख़त्म हो जाए। दूसरी बात ये कि हालांकि कोर्ट ने ये निर्णय दिया है पर राजनीति में ना पर्सनल और पॉलिटिकल में इतना बड़ा फर्क होता नहीं है, तो कोर्ट को शायद इस मामले को पेनल्टी लगाने की बजाय हमेशा के लिए सेटल करवा देना चाहिए था। ये रिकॉर्ड पूरा जो है अपने जजमेंट के साथ लगा के पब्लिक कर देते तो ये राजनीतिक मुद्दा ख़त्म हो जाता। मैं तो अभी भी कहूँगा कि कोर्ट को यही करना चाहिए। और तीसरी बात ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी जगह है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो उनकी कागज़ की डिग्री से ज़्यादा उनकी पॉलिटिक्स इस बात को बोले, क्योंकि ये एक सेकुलर सोशलिस्ट पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है। अगर वो इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं तो मानेंगे कि वो हमारे हैं, वरना वो हमारे नहीं। तो बता चुके हैं ना अपने इंटरव्यू में, कई बार बता चुके हैं इस बात को लेकर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ये भी कहते हैं ना कि अच्छे दिन आ रहे हैं तो लोग मानने को तैयार नहीं है ना। अच्छा। तो राजनीति में परित्याग तो करना ही पड़ता है ना। राजा राम ने भी सीता का परित्याग इसलिए थोड़े किया था कि वो मानते थे कि वो अपवित्र हैं, पर प्रजा रंजन का सवाल है। विश्वास नहीं मोदी जी की बातों पर, मतलब लोगों को नहीं है इसलिए ये सवाल, वरना कोई सुने ही क्यों इस बात को, है ना। शायद तभी ये बात उठ रही है, चाहे वो लोग थोड़े ही हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा हैं, चाहे थोड़े ही हों, क्योंकि वरना तो कामराज जैसे लोग हैं जो मतलब अंगूठे साहब थे इस देश में राजनीति में बड़े हुए। तो इस देश की राजनीति में दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको ये शिक्षा हासिल होगी वही आगे बढ़ेगा, तो वो सवाल नहीं है। लेकिन अब लोगों को अगर ऐसा लगता है तो इस मामले को ख़त्म करने का तरीका ये, सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।